बहुत कमाल के काम आने वाले किचन टिप्स। दोस्तों आइए जान लेते हैं। सबसे पहले है पैन में पानी, हरी मटर, 1 टीस्पून नमक और शक्कर मिलाकर 5 मिनट तक उबाल लें। आंच से उतारकर ठंडा होने दें। डीप फ्रीजर में रखकर 1 महीने तक आप इन मटर को स्टोर कर सकते हैं। मटर की ताजगी बनी रहेगी। नंबर 2, बरसात के दिनों में सूजी और बेसन में जल्दी कीड़े लग जाते हैं। इन्हें फ्रिज में रखने से जल्दी खराब नहीं होते। नंबर 3, पकाने से पहले पनीर को 10 मिनट तक गर्म पानी में डुबोकर रखने से उसकी जो सॉफ्टनेस है वो हमेशा बनी रहती है। नंबर 4, स्वीट डिश का स्वाद बढ़ाने के लिए आप उसके अंदर केवड़ा, गुलाब जल, इलायची पाउडर और केसर का घोल भी डिश के ऊपर पूरा ठंडा होने पर ही मिलाएं। यानी कि जो भी आपने स्वीट डिश बनाई है, जब वो पूरी तरह से बन के रेडी हो जाए, खीर है या कोई भी चीज़ है, तो जब वो ठंडा हो जाए तो उसके ऊपर से एज ए गार्निश आप उसको डालें। नंबर 5, भिंडी काटने से पहले चाकू पर नींबू ज़रूर रगड़ें, वो लसलसी नहीं होगी। नंबर 6, लाल मिर्च पाउडर अधिक समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसके अंदर हींग पाउडर को मिलाएं। नंबर 7, टार्टिला बनाते समय उसे तेल में डीप फ्राई करने की बजाय उस पर ब्रश से ऑलिव ऑयल या फिर सेमसे ऑयल लगाकर प्री हीट ओवन में बेक आप कर सकते हैं। नंबर 8, खाने में सोडियम की अधिकता से बचना चाहते हैं तो हर्ब्स व मसाले डालें, इनसे भी खाने की स्वाद को आप बढ़ा सकते हैं। नंबर 9, बचे इन 6 बेसिक कुकिंग मिस्टेक्स से। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो खाना बनाते समय ये बेसिक सी मिस्टेक्स करती हैं, गलतियां करती हैं। दोस्तों आइए जानते हैं, खाना बनाते समय कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे खाने का स्वाद खराब हो जाता है, और इन गलतियों से कैसे बचें आइए जानें। सबसे पहले है पैन गरम न करना। कई बार हम कढ़ाई पैन गरम किए बिना ही उसमें सब्जियां, फिश आदि डाल देते हैं, जिससे पैन में चीज़ें चिपकती हैं तो अच्छी तरह से पक भी नहीं पाती। तो इसीलिए आपको पहले अपने बर्तन को प्री हीट ज़रूर करना है। नंबर 2, पास्ता चावल में तेल डालना। बहुत सी महिलाएं चावल और पास्ता को चिपकने से बचाने के लिए उबालते समय उसमें तेल डालती हैं। ऐसा करने से पास्ता में सॉस आसानी से चिपकता है, साथ ही तेल से खाने में कैलोरीज की मात्रा भी बढ़ जाती है। चावल और पास्ता को चिपकने से बचाने के लिए पानी को लगातार उबलने दें, साथ उसे लगातार चलाते भी रहें, यानी कि आपको तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, कढ़ाई पैन को बहुत ज़्यादा भर देना। कढ़ाई पैन को बहुत ज़्यादा न भरें, ऐसा करने से आप सब्जियों को ठीक से भून भी नहीं पाएंगे और उनका स्वाद भी बिगड़ जाएगा। नंबर 4, सब्जियों का उबालना। कुछ महिलाएं जल्दी पकाने के चक्कर में सब्जियों को उबाल लेती हैं, इससे सब्जियों के ज़्यादातर पोषक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अतः उबालने की बजाय ग्रिल करें या फिर उन्हें स्टीम में ही पकाएं, जैसा कि हम नॉर्मली हम लोग पकाते हैं अपने घरों में, कढ़ाई में, कुकर में, वैसे। नंबर 5, फल और सब्जियों को छीलना। अक्सर पकाने से पहले सब्जियों को छील लिया जाता है, जबकि बहुत से फल व सब्जियों के छिलके में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। अतः जहां तक हो सके बिना छीले ही फल व सब्जियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। नंबर 6, सॉस व ड्रेसिंग का बहुत अधिक इस्तेमाल करना। सॉस और ड्रेसिंग का बहुत अधिक इस्तेमाल खाने में कैलोरीज की मात्रा को बढ़ा देता है, इसीलिए स्वाद बढ़ाने के लिए सॉस की बजाय मसालों का इस्तेमाल करें। साथ ही लो फैट व लो कैलोरीज ड्रेसिंग्स और डिप्स का ही हमेशा यूज़ करें। नंबर 7, सब्जियों और फलों को काट कर धोना। कभी भी सब्जियों और फलों को काट कर नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से उनके सारे पोषक तत्व, जो भी न्यूट्रिएंट्स उनमें होते हैं, वो पानी में बह जाते हैं। इसीलिए हमेशा सब्जियों और फलों को पहले धोएं और फिर काटें। नंबर 10, हरी पत्तेदार सब्जियों को साफ करके अच्छी तरह सुखाकर अखबार में रोल करके रखें, फिर इसे प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रिज में आप रख सकते हैं, जैसे कि धनिया है, पुदीना है, हरी मेथी है, पालक है। इससे आपकी हरी सब्जियां लंबे समय तक फ्रेश बनी रहेंगी। नंबर 11, गन्ने का रस पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, इसीलिए आपको शरीर को, पेट को ठंडा रखने के लिए गन्ने के रस को पीना चाहिए। कैल्शियम, आयरन, मिनरल से भरपूर गन्ने का रस आपको गर्मी में एनर्जी देगा। नंबर 12, 15 मिनट के लिए गुनगुने पानी में लहसुन डुबोकर रख दें, छिलके बहुत आसानी से निकल जाएंगे। नंबर 13, दोस्तों एक और बहुत आसान सा तरीका बताने जा रही हूँ लहसुन को छीलने का। लहसुन के पूरे फूल को कटोरी या फिर हथेली की मदद से पिचका दें।
मैं यहाँ पे तस्वीर लगा दूंगी, आप उस तस्वीर को देख के समझ सकते हैं कैसे कह रही हूँ। इससे छिलके आसानी से निकल जाएंगे। नंबर 14, लहसुन की कलियों को ड्राई रोस्ट कर लें, छिलके अपने आप निकलने लगेंगे। नंबर 15, रोटी किचन टिश्यू में ही रखें, कपड़े में रोटी रखने से वो पसीज जाती है, यानी कि हल्का हल्का उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। नंबर 16, रोटी के डिब्बे में सूखी अदरक रख दें, इससे रोटी ज़्यादा समय के लिए ताज़ी बनी रहेगी। नंबर 17, तेल में चुटकी भर नमक डालें, जिससे कि आपके पकौड़े और पूड़ी जो है वो कम तेल को सोखेंगे। नंबर 18, तेल का काम होने के बाद ठंडा करके उसे छान लें, ऐसा करने से आप तेल को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर सकते हैं। नंबर 19, खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, इससे आपके लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 20, गन्ने के रस में थोड़ा सा अदरक का रस मिलाकर पीने से गर्मी का एहसास कम होता है। नंबर 21, ज़्यादा चाय के सेवन से गैस की दिक्कत आपको हो सकती है। नंबर 22, सफ़ेद प्याज का रस बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नंबर 23, अगर आप पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो रोटी के साथ प्याज और पानी में नींबू डालकर ज़रूर पिया करें। दोस्तों, जब भी आप लंच करें, लंच के खाने में आप प्याज का सेवन ज़रूर करें। नंबर 24, जो व्यक्ति खीरा ज़्यादा खाते हैं उन्हें सांस की बीमारी कभी नहीं होती। नंबर 25, दही जब भी खाएं तो किसी गर्म चीज़ जैसे कि चावल या फिर गर्म रोटी के साथ न खाएं, क्योंकि दही की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। अगर आप उसको गर्म चीज़ों के साथ खाएंगे तो आपके शरीर का जो पित्त है, जो वार्मनेस है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। नंबर 26, सुबह सुबह खाली पेट ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान पहुँचता है। नंबर 27, शीशे को चमकाने के लिए आप आलू के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 28, यदि रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वाहट महसूस हो तो समझ लेना चाहिए कि आपको बुखार का हमला होने वाला है। नंबर 29, यदि आपको थकावट रहती है तो किशमिश खाने से आपकी थकावट दूर हो सकती है। तो दोस्तों, आशा है दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इन छोटी छोटी बातों से अवगत हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।